बच्चों ने एक किसी बच्चे ने भेजा था मैसेज, और कंटिन्यू कुछ बच्चों के सेम टाइप की क्वेरी है, जैसा कि कुछ बच्चों की क्वेरी कि सर सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा सर, क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो कई बार होता है कि क्वेश्चन करते करते हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 5 मिनट आपने रेस्ट्रिक्शन दिया था लेकिन हम उसको करते करते 15 मिनट तक चले जाते हैं, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, डिप्रेशन आ जाता है सर। कुछ बच्चों का कहना कि सर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें, कैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर करें। एक बच्चे की क्वेरी ये भी थी कि सर कुछ कई बार होता है कि क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं उनको जब अटेंड करते हैं तो वो तो हमसे हो जाते हैं कि हम उनके लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, 5-6 लाइन का क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के ही डर लगता है कि यार ये सर ये तो क्वेश्चन होने से रहा, ये तो अपने से नहीं होगा, तो आप बताइए सर इसके लिए हम क्या करें, है ना। या फिर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में को कैसे इम्प्रूव करें, मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे लाएँ, है ना। कि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बच्चे बोलते हैं कि कुछ बच्चे के सर हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत डर लगता है, कि ऐसा डर लगता है कि कहीं मैथ्स की वजह से हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले बच्चों एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैथ्स में आप कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, कैसे अपने मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है, ठीक है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर सब्जेक्ट में एक इक्वल नंबर ऑफ टाइम हमें देना पड़ेगा, और जहां पर हमें डिफिकल्टी दिख रही है जैसे मैथ्स में जिनको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वैसे आइडियल टाइम होता है 2 से 2.5 घंटा हर सब्जेक्ट का, इतना कम से कम देना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा है तो उस सब्जेक्ट में आप आधे घंटे ज़्यादा दे सकते हो। यानी अगर मैथ्स में जिन बच्चों के स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो उनको 2.5 की जगह 3 घंटे मैथ्स करनी चाहिए, ठीक है ना। और अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए, अटेम्प्ट करने का तरीका ये हो कि जब हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो मैंने आपको टाइम रेस्ट्रिक्शन बताई है कि 2 से 5 मिनट तक का टाइम दो, समझ में आएगा, 2 से 5 मिनट का टाइम दो, 2 से 5 मिनट में अगर क्लिक नहीं करता आप अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट तो आप लगा ही सकते हो, अगर नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर छोड़ दो, किसी दूसरे रूम टेम्परेचर पर उस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि रूम टेम्परेचर चेंज करने से अपने माइंड में थॉट्स चेंज हो जाते हैं। कई बार होता है हम एक टाइम पर एक ही तरह सा सोचते रहते हैं और हमारे माइंड में कोई दूसरा थॉट नहीं आता, अगर हमने मॉर्निंग में एक बार क्वेश्चन ट्राई किया और हम इवनिंग में उसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से ट्राई करें तो इवनिंग वाला थॉट पहले वाले थॉट से मॉर्निंग वाले थॉट से कोरिलेट नहीं होता, हो सकता है उस समय कोई एक नया थॉट आ जाए माइंड में और क्वेश्चन बन जाए। आ रही बात समझ में, तो एक क्वेश्चन को लगातार आधे घंटे तक सॉल्व नहीं करना है आपको, उस पर रिसर्च नहीं करनी है, बात समझ में आई क्या, क्योंकि आपके पास टाइम जो लिमिटेड है, अगर आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपका होमवर्क छूट जाएगा, होमवर्क छूट गया या फिर आपने उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे दिया तो दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क छूटेगा, होमवर्क छूटने से भाई बैकलॉग क्रिएट होगा, बैकलॉग से प्रेशर बनता है, समझ में आया गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, जो टाइम जोन आपको बताया गया उसी में रह के करना है। और जैसे कि कुछ बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डर लगता है तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस केस में आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कुछ 2 या 3 प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है उनको फेस करने की आदत बनाएं। शुरू में भले ही वो गलत हो लेकिन टाइम जरूर दीजिए, टाइम जरूर दीजिए। आप 3-4 गलत प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो गलत प्रॉब्लम करने से भी हमें बहुत चीजें समझ में आती हैं कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन गलत करेंगे, धीरे धीरे वो गलतियां आपकी मिनिमाइज होंगी अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं। तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको लगेगा यस अगर मैं इसमें टाइम 2 मिनट 3 मिनट देता हूं तो 100% मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, तो वो कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी उससे वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है ना। और आपको ये भी नहीं करना है कि आपने 5 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन किया उसका आंसर पीछे देख लिया, फिर दूसरा किया फिर उसका आंसर, नहीं, 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करें तो पहले 5ों एक साथ अटेम्प्ट कर लीजिए, बिल्कुल उस तरह से जैसे आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, फिर 5ों का आंसर एक साथ देखिए, फिर ये चेक कीजिए कि इसमें मिस्टेक मेरे से कहां पर हुई, कितने 5 में से हमने 5 अटेम्प्ट किए, 5 के लिए हमने 15 मिनट डिसाइड किए थे, हमें टाइम कितना लगा, इसमें हमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, जो गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए, क्या हमने सिली मिस्टेक कर दी या कंसेप्ट हमने गलत अप्लाई किया या फिर हमने वो टॉपिक रिवाइज ही नहीं किया था, हमें उसका फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, तो हम क्वेश्चन कहां से करेंगे। आ रही मेरी बात समझे, तो इन सारी चीज़ों की प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। आप जब एनालिसिस कर लेंगे, जब आप नेक्स्ट डे इसी प्रोसेस को लगाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मिस्टेक मेरी वहाँ पर हुई थी। कई बार हम मिस्टेक करते चले जाते हमें पता ही नहीं चलता हम गलतियाँ करके आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपके पढ़ने का तरीका ही बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो आप टाइम तो दे रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट ना आने का रीज़न वही होता है आपका पढ़ने का तरीका बहुत गलत है। आरी बात समझ में, क्योंकि जेई निकालना जो इतना जेई इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, इंडिया में लगता है कि हाँ बहुत भारी कंपटीशन है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं जिसको बीट करना बहुत मतलब लगे कि हाँ यार बहुत बड़ा आपने काम कर लिया है। नॉर्मली आप पढ़िए, 6-7 घंटे पढ़िए और अच्छे ब्रेस सोच के साथ पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए, जेई बड़े आराम से निकलता है। समझ गए बच्चों, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले इनको बहुत ध्यान रखना और इनको अप्लाई करना, ठीक है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरली ऐसी क्वेरीज आ रही थी बहुत दिनों से टेलीग्राम पर, बच्चे कभी रात में मैसेज करते हैं।